और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सतना से मिल रही है। यहां पर एक भीषण हादसा हुआ है, पिकअप और बाइक के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हुई है। रामनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त सतना से, जहां पर पिकअप और बाइक के बीच टक्कर, इसमें दो बाइक सवारों की मौत। रामनगर थाना क्षेत्र के गौरसरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सतना से इस वक्त एक बड़ी खबर, पिकअप और बाइक सवारों की भिड़ंत। रामनगर थाना क्षेत्र के ये घटना पूरी है और पिकअप और बाइक सवार के बीच ये टक्कर हुई है। दो लोगों की मौत इस हादसे के बाद हुई है। सतना से लगातार इस वक्त बड़ी खबर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पिकअप और बाइक के बीच में टक्कर हुई, दो लोगों की मौत हुई है जो कि बाइक पर मौजूद थे, बाइक सवार। हादसे में दोनों की मौत हुई है। रामनगर थाना क्षेत्र के गौरसरी की ये घटना बताई जा रही है। संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। धर्मेंद्र, विस्तार से जानेंगे किस तरह से यह हादसा हुआ है। जी, मैं बताना चाहूंगा, सतना जिले में इन दिनों रफ्तार का कहर काफी बढ़ा हुआ है। कल भी एक घटना हुई थी जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी, और आज भी ये रामनगर थाना क्षेत्र में घटना हुई है जिसमें अमरपाटन की ओर से रामनगर की ओर आ रही पिकअप और चिनौती गांव के रहने वाले कोरी परिवार थे जो रामनगर से अमरपाटन की ओर जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर पिकअप दोनों टकराई है, आपस में भिड़ंत हुई है और उसमें दर्दनाक हादसा हुआ है, दो लोगों की मौत हुई है। जी, फिलहाल जो चालक था उस बारे में कोई जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि चालक जैसे ही घटना हुई है घटना स्थल से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, और दोनों ही मृतकों की बॉडी रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहां पर कल इनका पीएम होगा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा जानकारी दे रहे थे, और तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पिकअप और बाइक के बीच ये गंभीर टक्कर, लेकिन न बाइक सवार दो लोग, इसमें उनकी मौत हो गई है हादसे में, और रामनगर थाना क्षेत्र के गौरसरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है।